हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के बारे में बताऊंगा। ये जो आपको नेम प्लेट दिख रहा है, ये जो नेम प्लेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का है, जो कि थ्री फेस का है। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई रहती है, और हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर KVA दिया हुआ, 25 KVA का ये ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है, उसे कैसे निकालेंगे, या आपको प्राइमरी साइड का अगर आपको करंट निकालना हो या आपका वोल्टेज निकालना हो कितना आता है, वो सारी चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी डिवाइस है। स्टेशनरी डिवाइस का मतलब एक जगह वो फिक्स रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी डिवाइस। ये क्या करता है? आपको पावर को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट। तो एक सर्किट कौन सा हो गया? ये आपका एक सर्किट हो गया, और जो आपका घर है तो वह आपका दूसरा सर्किट हो गया। तो ये क्या कर रहा है? आपको पावर को ट्रांसमिट कर रहा है एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे। ये हो गया ट्रांसफार्मर का काम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे ट्रांसफार्मर में। आपने पढ़ा होगा दो तरह का वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड में कौन सा आ गया? जहाँ से आप इनपुट देते हो। तो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अगर कोई सा भी कितने भी KV का ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो हम लोग इनपुट जो देते हैं वो कितना देते हैं? 11000 वोल्ट देते हैं, ठीक है। तो इस साइड को, प्राइमरी वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। इधर जितना भी आएगा आपका जो इनपुट देंगे हम लोग कितना देंगे? 11000 वोल्ट। तो इसको बोलेंगे हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। और जिधर से आपका आउटपुट मिलता है, जैसे कि इस ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग, जो नेम प्लेट के अकॉर्डिंग आपका 433 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आपका क्या है? KVA 25 KVA का ट्रांसफार्मर है, और आपका जो वोल्टेज है HV साइड का दिया है 11000, मतलब 11 KVA में दिया है। तो 11 KVA हो गया आपका, और इसका लो वोल्टेज साइड कितना है? 433 वोल्ट। तो 11000 आपका हाई वोल्टेज साइड कितना हो गया? 11000 वोल्ट। और आपका सेकेंडरी साइड, मतलब लो वोल्टेज साइड आपका हो गया 433, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इनपुट में, इनपुट साइड जहाँ पर आपका हाई वोल्टेज साइड है वो 11000 वोल्ट है, और आउटपुट में आपका 433 वोल्ट। अब देखिए, अब आपको करंट भी दिया होगा कि आपका HV साइड करंट 1.31 है, और LV साइड जो है 33.33। ये चीज़ भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि प्राइमरी करंट जो है आपका, प्राइमरी साइड को बोलेंगे, इधर जो करंट जो जा रहा है IP, ये क्या आपका प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट कितना दिया है? 1.31 एम्पेयर, और सेकेंडरी करंट कितना दिया है? 33.33 एम्पेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको डाटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका प्राइमरी साइड है, IP क्या हो गया आपका? प्राइमरी करंट है, जो कि 1.31 एम्पेयर दिया है। और ये VP क्या हो गया आपका? प्राइमरी वोल्टेज, जो कि 11000 वोल्ट है। और आपका IS क्या हो गया? सेकेंडरी करंट, जो कि आपका 33.33 एम्पेयर है। और आपका सेकेंडरी वोल्टेज, ये आपका कितना है? 433 वोल्ट, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे कोई भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग, जो आपकी जो 25 KVA यहाँ दिया है, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी तरीका है। जैसे सपोज़ आपका ये नेम प्लेट में KVA का नहीं दिया हुआ, या आपका मिट गया, आपका पुराना ट्रांसफार्मर है उसका नेम प्लेट में आपको दिख नहीं रहा कि ये कितने KVA का ट्रांसफार्मर है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको ज़रूरी है कि मुझे ये पता लगाना है कि कितने KVA का ट्रांसफार्मर है, बट ये आपको दिख नहीं रहा, मिटा हुआ है या दिख नहीं पा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सपोज़ यहाँ पर आपने नेम प्लेट में आपका क्या दिया हुआ है? प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 11000 वोल्ट, और आपका प्राइमरी करंट भी 1.31 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हम इन दो डाटा से हम लोग कैसे निकालते हैं कोई भी रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला आप याद रखना, पावर इज इक्वल टू √3 VI। ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं? जब थ्री फेज का ट्रांसफार्मर होगा तब। अगर आपका पास सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है तो पावर इज इक्वल टू VI लिखेंगे, ठीक है। आप उस पर भी चेक कर सकते हो, बट ये थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा? √3 VI। तो √3 × V, आपका प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 11000 आप यहाँ पर कर दो, और इंटू प्राइमरी करंट, I जो है प्राइमरी करंट यहाँ पर आप डालिए, आप दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको कितना आएगा? 34958.12 वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। तो बट हम, मुझे तो KVA में निकालना है, तो ये वोल्ट एम्पेयर में दिया है, तो किलो है आपका, तो उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका KVA में निकल जाएगा, ये वोल्ट एम्पेयर में दिया है। KVA में निकालने के लिए क्या करेंगे? इस डाटा को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आ रहा है? 24.94। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है आपका? 25 KVA का ट्रांसफार्मर है। आप
ऐसे निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज ये आपका देखिए ये पता चल जाना चाहिए आपको, HV 11 KV, और आपको क्या चाहिए ये वाला, ठीक है। इसकी इन दोनों के हेल्प से ही आप निकाल सकते हो। या आप सेकेंडरी साइड का भी अगर आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है उस साइड का भी, तो भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, पावर इज इक्वल टू √3 VI। यहाँ पर भी आप पुट कर दो, आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 KVA आ जाएगा। आप देख लो, कैलकुलेट करके देख सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। सपोज़ आपको रेटिंग पता है बट आपको जानना है कि HV साइड का करंट कितना होगा या LV साइड का करंट कितना होगा, तब आप कैसे निकालोगे। सपोज़ इस क्वेश्चन में देखते हैं, सपोज़ आपको पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, आपको पता है कि 25 KVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और आपको पता है कि जो भी ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वहाँ पे इनपुट कितना देंगे, 11000 वोल्ट। तो आपको एक डाटा मिल गया, 11000 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज मिल गया, और आपको पावर मिल गया कि 25 KVA का ट्रांसफार्मर है। तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू 25 KVA लिख देना, इज इक्वल टू √3 और उसके बाद VI, ठीक है। तो आप क्या करोगे, √3 लिख दिए और वोल्टेज आप 11000 कर दोगे, और आई आपको निकालना है कि प्राइमरी करंट कितना है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो गया, 50 हर्ज़। इंडिया में जो यूज़ करते हैं हम लोग 50 हर्ज़ का फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, बाकी और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ 60 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, उसको उसी तरीका से डिज़ाइन किया गया। इसलिए यहाँ पर एक वेक्टर ग्रुप है DYN11 आपका लिखा होगा, तो ये चीज़ क्या है, वेक्टर ग्रुप। आप कॉलेज टाइम पढ़े होंगे वेक्टर ग्रुप, तो वेक्टर ग्रुप ये बता रहा है कि आपका कनेक्शन जो है, ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, वो किस टाइप का कनेक्शन में है, स्टार में है कि डेल्टा में है, ये आपको बताता है। तो DYNN11 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका HV वाइंडिंग जो है वो, उसका कनेक्शन कैसा है, डेल्टा है, और आपके LV साइड का जो कनेक्शन है वो कैसा है, स्टार है, ठीक है। तो DYNN का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया, डी से हो गया डेल्टा, मतलब HV साइड का जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा फॉर्म में कनेक्ट होगा, और आपका LV साइड का होगा स्टार डेल्टा, स्टार कनेक्शन में। तो आपका ये जो है वेक्टर ग्रुप, ये कौन सा लिया है, डेल्टा स्टार कनेक्शन। चार तरह कनेक्शन होता है, डेल्टा टू डेल्टा, स्टार टू स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो ये आपका कौन सा हो गया, डेल्टा स्टार, और आपका एक ग्राउंड निकलेगा, ठीक है, न्यूट्रल वाला, जिसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग देते हैं, ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल निकलता है उसको हम लोग अर्थिंग देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया DYN11 क्या है, ये वेक्टर ग्रुप का है, ये इससे ये पता चलता है कि आपका वाइंडिंग जो है, HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग, उसका जो है कनेक्शन किस फॉर्म में, स्टार में है कि डेल्टा में है, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो डेल्टा स्टार के फॉर्म में है, ठीक है, आपको इतना चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद और क्या चीज़ दिया हुआ है, ये देखिए इम्पीडेंस वोल्टेज दिया हुआ 4.55। ये आप कैसे निकालोगे, जब ये जो ट्रांसफार्मर बनाती है वहाँ से आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है, उसी के हिसाब से इसका डाटा निकाला जाता है। तो ये आपका 4.5% है, और भी बहुत सारी चीज़ दी रहती है, जैसे कस्टमर, ये किसके लिए, तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये किसके लिए ऑर्डर किया गया, ये तो ये झारखंड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए, तो यहाँ पर जैसे यूपी का रहेगा तो यूपी बिजली वितरण निगम, बिहार है तो बिहार लिखा रहेगा इस टाइप से। उसके बाद ये आपका ऑर्डर डेट वगैरह दिया रहेगा, ये सेम क्या है, ये सेम मतलब ये किस सेम के लिए जा रहा है, DDUGJY, इसका मतलब क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, या RGGY, राजीव गांधी वाला, ये हो गया आपका। तो ये कौन सा प्लान है, 12 प्लान लिखा हुआ है इसके लिए। उसके बाद और क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, हाँ ये देखिए आपका, अगर क्या कह रहा है, अगर आपका ये ट्रांसफार्मर 25 KVA का है, अगर 50% लोड कनेक्ट है तो आपका कितना लॉस हो रहा है, 210 वाट। बट अगर आप ट्रांसफार्मर जो 25 KVA ट्रांसफार्मर आपने फुल्ली लोड दे दिया, पूरा लोड आप ट्रांसफार्मर पे डाल दिए, तो कितना लॉस हो रहा है आपका, 695 वाट का लॉसेज जा रहा है। मतलब ये इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ज़्यादा लोड ना दे, ज़्यादा लोड देंगे तो ज़्यादा लॉसेज होंगे, ज़्यादा लॉसेज होंगे तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो आपका वाइंडिंग वगैरह जल सकता है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ सकता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि जितना रेटिंग का ट्रांसफार्मर है हम लोग कम लोड दे, नॉर्मल लोड लेके चलें, ज़्यादा लोड ओवरलोड ना दे। एक है टाइप ऑफ कूलिंग, जो ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप ऑफ कूलिंग के तहत बनाया गया, तो वह क्या है, ONAN। तो ये क्या हो गया, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत तरह के कूलिंग मेथड यूज़ करते हैं बट यहाँ पर जो है ONAN यूज़ किए हैं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल टाइप का, ठीक है। इसमें आपको देखा, आपने कभी देखा होगा ट्रांसफार्मर में एक पाइप जैसा लगा रहता है, साइड में 4-5 पाइप लगा होगा इस साइड भी इस पैडे,
तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, रेडिएटर बोलते हैं। तो ये आपका कूलिंग का काम आता है, ये आपका सर्कुलेट होता है। तो ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पर गैप होती है, तो हवा जब आती है, कूल हवा जो आपका एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो कूल है, तो ये आपको इसको कूलिंग करता है, एक तरह का कूलिंग का काम कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर राइज। तो ऑयल का जो टेम्परेचर लेना है वो कम से कम आपका ज़्यादा ज़्यादा कितना हो, 35 डिग्री, उससे ज़्यादा ना हो तो इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी ख़राब हो सकती है। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या WDG, ये क्या हो गया, ये वाइंडिंग का है, उसका टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री। मास ऑफ ऑयल, जो ऑयल में इसमें डलाएगा 25 kVA ट्रांसफार्मर टैंक में, वो है कितना, 66 kg। और टोटल मास देखा जाए ट्रांसफार्मर का तो कितना हो जाएगा, 274। अगर ऑयल का वॉल्यूम देखें केजी में, तो देखा आपने 66 kg है, बट वॉल्यूम में आपका 80 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कब बनाया गया, यहाँ पर आप डेट दिया रहेगा, इसका तो इस ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर भी दिया रहता है कि कितने नंबर सीरियल नंबर का है ये। उसके बाद ऑयल में हम लोग देखो, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल जो डालते हैं उस ट्रांसफार्मर ऑयल को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल ही बोलते हैं। ये जो आपका कौन सा ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल ही होता है। तो ये एक्चुअली ये कहाँ से आता है, ये आपका होता क्या है, क्रूड पेट्रोलियम ही होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे बनता है, क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम लेते हैं, उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल ही बोलते हैं, बट वो एक्चुअली में होता क्या है, क्रूड पेट्रोलियम होता है, जिसको डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, या उसका नाम ट्रांसफार्मर ऑयल रखा जाता है। चलिए आपको अगर समझ में आ गया कि आप कैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकालोगे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर दिया है डाटा, दे दिया है एक नेम प्लेट दिया है, आपको बताना है कि ये कितना केवीए का ट्रांसफार्मर है। एक्चुअली ये जो है आपका पावर ट्रांसफार्मर है, तो आपको बताना है, यहाँ से आप डाटा देख लो, आपका सब दिख रहा है, वोल्टेज एम्पेयर HV साइड LV साइड का भी है। तो आप देख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका कितना केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से निकाल लोगे कितना केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल्स ग्रुप है तो उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा वो कॉइल अर्थिंग और पेपर अर्थिंग पे होगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।